उसका पानी ले जाकर तहसील दिवस में दिखाओ। क्या बात है, मेरी बात सुनो, अगर इसमें ना सुने तो मेरा फोन नंबर कभी बंद नहीं रहता है, ठीक है? कहना दीदी आप क्या कह रही थी, ये सारे हथकंडे हमने अपनाए इसलिए आपको जागरूक कर रहे हैं। हमारा यहाँ जो नल था वो गंदा पानी था, पीला पीला, उसे पीकर बीमार हुए। उसका पानी हम तहसील ले गए, कम से कम 4 बार पानी ले गए, और तहसील दिवस है हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर। और जब ले गए हम, जब प्रेग्नेंट थे, पूरा समय चल रहा था, हमने हार क्यों नहीं मानी। अभी हम पी रहे हैं, कल को बच्चा आएगा वो भी यही पानी पिएगा। किसी ने नहीं सुना, हम क्या अकेले पी रहे थे, सब पी रहे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था। और हमारे हस्बैंड यहाँ रहते नहीं थे, यहाँ वो बाहर रहते हैं। हम कभी बार 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 जाते रहे, उसकी जो रसीदें मिलती है ना तहसील दिवस में हम जाते हैं तो उसकी रसीद भी देते हैं। हेलो दीदी बात सुनो, पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये फ्री में ज्ञान दे रहे हैं हम, ठीक है? जो भी बिना रसीद के आपको आना नहीं है तहसील दिवस जाओ, और वो कह रहे हैं कि दीदी जाओ आपका काम हो जाएगा, तो आपको क्या कहना है, सर मुझे रसीद दे दो तभी तो हम जाएंगे। हमें पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ शिकायत करके गए, और जो आएगा वो पूछेगा क्या प्रूफ है तुमने शिकायत की, है ना? प्रूफ मांगेगा तो हम रसीद दिखाएंगे कि देखो सर हम इस तारीख को आए थे और इस तारीख को आए थे, हम तो कई बार आए, क्योंकि आपको इतना नहीं पता है कि जिसकी शिकायत करोगे उसकी पहुंच कितनी है। रजिस्टर गायब करवा देगा, आर्मी गायब करवा देगा, उसकी छुट्टी डलवा देगा, इसको आप एप्लीकेशन देके आए हो, है? तो क्या करोगे, जो हमारी रसीद है वो कोई नहीं गायब करवा पाएगा। हम वो रसीद डीएम को दिखाएंगे, जब जहाँ तहसील दिवस लगती है वहाँ डीएम भी आते हैं, और जितने भी आपके जिले के प्रधान हैं वो सभी आते हैं। कोई भी महिला चली जाए किसी जिले की किसी गांव की, उसे ये बताना है कि सर हम उस दिन आए थे और हमारी बात सुनी नहीं किसी ने, कार्रवाई हुई नहीं, है ना? बहुत से तो ये कह देते हैं, अरे